फ्रेंड है तो मैं सोच रहा हूँ फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है, बाहर अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसलिए मैं दूसरी शादी के बारे में सोच रहा हूँ। शादी के बारे में सोचो, आपका दिमाग खराब है, मैं सही में आपको ना मार उड़ दूंगी, दिमाग मत खराब करो मेरा। तेरा हेडेक बिल्कुल खत्म, मेरा हेडेक तो आप बन गए हो, उसके साथ ही रहो, मेरे साथ मत रहो, समझे क्या? मैं यहाँ से चली जा रही हूँ। क्यों चली जाएगी तू? क्यों मैं को नहीं रहने का आपके साथ, समझे क्या? और सौतन के साथ शादी पहले सोचना चाहिए। चल देख लेना घूंघट उठा के उसका आराम से। और आप दूसरी शादी करने की बात करने आए थे, समझे क्या? मैं अभी अपनी माँ से बात करके ना आपको यहाँ से नहीं निकलवाएंगा, देख लेना मैं आपको छोड़ दूंगी, नहीं रहूंगी। फैमिली आप लोग काफी दिन से पूछ रहे थे आप लोग की स्किन इतनी ग्लो कैसे करती है, ब्राइटनेस कैसे है स्किन में, एज वेल एज राहुल और मेरी दोनों की। और साथ ही साथ आप लोग ये भी पूछते हैं कि आप लोग सनस्क्रीन कौन सा यूज करते हो, तो मैं आज आपके साथ मेरा जो राज का पिटारा है वो खोलने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं यूज कर मम्मा अर्थ का राइस वाटर डियो एक्टिव सीरम, जिसमें है राइस वाटर एंड 10% नियासिनामाइड, और प्लस मैं यूज़ करती हूँ मम्मा अर्थ का राइस वाटर डियो सनस्क्रीन विथ राइस वाटर नियासिनामाइड। तो इसके इतने फ़ायदे हैं ना, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये जो मम्मा अर्थ है ना, मम्मा अर्थ की जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं, इसमें बिल्कुल भी आपको केमिकल फ्री है, ये डर्माटोलॉजिकली इनके सारे प्रोडक्ट टेस्टेड रहते हैं। तो ये जो मम्मा अर्थ का राइस वाटर सीरम है, ये इसमें 98% राइस वाटर है एंड B3+ है फॉर अ ग्लासी स्किन। इसे अप्लाई करने के बाद ना ये इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाता है और एकदम ग्लासी लुक स्किन प्रोवाइड करता है, और ये सारे स्किन टाइप को सूट करता है। एज वेल एज सेम राइस वाटर डियो सनस्क्रीन, ये भी डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, सूट्स फॉर ऑल स्किन टाइप, और ये SPF 50 PA++++ है, तो बहुत ही बढ़िया है। तो चलो मैं इसे अप्लाई करती हूँ। सबसे पहले मैं अप्लाई करने वाली हूँ सीरम, क्योंकि फेस वॉश करने के बाद सबसे पहले सीरम लगाया जाता है, तो मैं यहाँ पे सीरम लगा ले रही हूँ। तो देखो इसका एकदम लिक्विड फॉर्म है और इजीली ना ये एब्जॉर्ब भी हो जा रहा है। मम्मा अर्थ राइस वाटर डियो एक्टिव सीरम इन विच राइस वाटर हाइड्रेट्स अवर स्किन एंड नियासिनामाइड प्रमोट्स अवर इवन स्किन टोन, प्लस इट इज लाइट वेटेड एंड इट एब्जॉर्ब वेरी क्विकली। तो 2 मिनट सेट होने के बाद सीरम के मैं लगा रही हूँ यहाँ मम्मा अर्थ का राइस वाटर डियो सनस्क्रीन। तो ये डियो फॉर्म में आता है, ये देखिए मम्मा अर्थ राइस वाटर डियो सनस्क्रीन विथ राइस वाटर नियासिनामाइड्स इन विच राइस वाटर हेल्प्स ब्राइटन स्किन एंड नियासिनामाइड इवेंट आउट स्किन टोन, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम UVA एंड B रेज ऑल्सो। तो मम्मा अर्थ के दोनों भी प्रोडक्ट ना इजीली एब्सॉर्ब हो जाते हैं, लाइट वेटेड है और साथ ही साथ ये ब्लेंड भी इजीली हो जा रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट अभी तक मैंने इसका देखा है जब से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। और मम्मा अर्थ की खास बात ये है, ये एक हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पीछे एक पेड़ लगाते हैं, तो अगर आप एक भी प्रोडक्ट बाय करोगे तो उसके पीछे एक पेड़ लगाते हैं। तो हाँ, इनका 1 मिलियन पेड़ लगाने का प्लान है 2025 तक। मम्मा अर्थ के अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते तो आपको इजीली ये ऑफलाइन भी मिल जाएगा कोई भी स्टोर से या मम्मा अर्थ के स्टोर से, प्लस आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं मम्मा अर्थ के वेबसाइट से, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पर्पल, नायका और बेबी प्रोडक्ट के लिए फर्स्ट क्राई से आप परचेस इजीली कर सकते हैं। अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं KDB2024 तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए आप जल्दी से इसे जाके परचेज कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं आपको इसे 100% रिकमेंड करूंगी। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम बाद मैं प्रैंक करने जा रहा हूँ कोमल पे, क्योंकि आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो कोमल को चोट लग गई थी, गाड़ी से गिर गई थी, उसको लगभग 15 से 20 दिन हो गए हैं, अभी भी थोड़ा सा पेन है उसको। तो इस पर मैं अभी उस पर प्रैंक करने वाला हूँ, काफ़ी अलग टाइप का प्रैंक ये होने वाला है। मैं ये प्रैंक करने वाला हूँ कि मैंने शादी कर ली है और मैं उसको अपने सेकंड मैरिज के बारे में बताऊँगा। तो शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। इस पे कोमल का जो रिएक्शन होगा ना गाइस, इस समय का बहुत ही धमाकेदार होगा, क्योंकि आई होप क्योंकि कोई सिचुएशन में है और पति ऐसा कर रहा है, इस चीज़ों का रिएक्शन तो देखना बनता है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं उसको बुलाता हूँ कि चलो तेरे पैरों की मालिश कर देता हूँ, और उसी बीच में ना उसको ये सारी चीज़ें मैं सुनाऊँगा। अभी मज़ा आएगा ना वीडियो। कोमल, हाँ
तुम्हारी मेडिसिन कहाँ रखा जो लेके आया था? यहाँ बाहर रखी है। ले आओ। सच में यार मालिश कर देते ना यार, आज दो बार की हूँ मैं, लेकिन कर दोगी तो सही रहेगा यार, आराम मिल जाता है। डॉक्टर का थोड़ा देखते कैसे फायदे। सही डॉक्टर का चुनाव करोगी तो यही होगा ना, जल्दी ठीक होगा। तुमको एक हफ्ते से बोल रहा, एक हफ्ते नहीं जिस दिन हुआ था उसके दूसरे दिन बोल रहा था कि चलो, तो तुम उसके लिए रेडी ही नहीं हुई। हाँ, बात तो सुनती नहीं हो। अब 15 दिन बाद जब गणपति नजदीक आ रही है तो तुमको चिंता हो रही है। हाँ मैं सोची कि हो जाएगा, खुद से मस्कुलर है तो ठीक हो जाएगा जल्दी। दो ऐसे यही। कितने देर दिन में कितने टाइम मालिश की? दो बार की सुबह से बस। हाँ और मेडिसिन खाई प्रॉपर जैसे लिखा है? हाँ मैं अपना बराबर देख ले रही हूँ। और अभी मुझे गैस वाली खाई दवा? हाँ बाबा सब दवाइयाँ खा रही हूँ, करो फिर मैं आगे का काम निपटाऊ। हाँ ठीक है, पैर उठा, ये थोड़ा सा उठा, ये देखो ना ये जो ऐसा खून जम गया ना ग्रीन कलर का, ये तो थोड़ा ज्यादा पेन है। तू कर पाएगी काम की नहीं कर पाएगी? क्या कर नहीं रही हो क्या? मेरे को जबकि डॉक्टर ने बोला था कि रेस्ट करना पूरा, फिर भी आप लोग के लिए मैं खड़े होकर कर रही हूँ सारा काम। मेरे लिए? तो किसके लिए कर रही हूँ मैं अपने लिए? अगर मुझे ऐसा रहता ना तो मैं पूरा बेड रेस्ट पे रहती, मुझे इतना जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आप लोग के लिए उठ रही हूँ। पता है क्या, इतना भाग दौड़ो, जबकि डॉक्टर ने बोला था कि घुटने पे कभी प्रेशर मत देना अभी फिलहाल 15-20 दिन, तो भी मैं सेकेंड डे पे खड़े होके करने लग गई। मैं कुछ सोच रहा हूँ यार, किस मुंह से बताऊँ तुझे, कैसे बताऊँ? क्या किस मुंह से बताऊँ? मतलब क्या बोल रहे हो, क्या बोले आप ये किस मुंह से, मतलब क्या क्या करके आए हो? मैं सोच रहा हूँ ना यार कि मैं शादी कर लूँ तुझसे। नशा उशा करके आए हो कि भांग वांग खा के आए हो? आपका दिमाग खराब है? मेरे लिए इजी है, मतलब तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है क्या बाहर? मतलब इतने कॉन्फिडेंस में बात सुनो यार, बात सुनती नहीं हो यार तुम, बात सुनती नहीं हो, बात सुनती नहीं, मतलब तुमने ऐसे कैसे बोल दिया कि शादी कर लेता हूं? मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को बाहर जाना, काम करना, बहुत सारे। तो मैं ठीक हो जाऊंगी ना एक महीने में? आप शादी करोगे एक महीने के लिए? मेरी एक अच्छी फ्रेंड है तो मैं सोच रहा हूँ। फ्रेंड है कि गर्लफ्रेंड है? बाहर अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब आई ना सच्चाई सामने, जब मैं तकलीफ में पड़ी और आप मेरा सपोर्ट हेल्प नहीं कर पाए, मेरे लिए खड़े नहीं हो पाए, तो उगल दिया अपना। नहीं कर पाऊंगा तेरा सपोर्ट, सीधी बात, इसलिए मैं दूसरी शादी के बारे में सोच रहा हूँ। शादी के बारे में सोचो, आपका दिमाग खराब है? मैं सही में आपको मार उड़ दूंगी, दिमाग मत खराब करो मेरा। यूट्यूब पे कितने लोग हैं, दो दो तीन तीन बीबियां रखे हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। समझी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, फालतू की बात कर रहे हो? संध्या नाम है उसका, आई थिंक हमें एक हो जाना चाहिए अभी, ताकि मतलब आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। जरूरत नहीं पड़ेगी, बात सुन यार, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं होगी। तू खाली बिस्तर पे पड़े रह, अपना आराम से खा, बैठ आराम से, अपना फ्रेश हो, जो भी तेरे को करना बाकी काम कर। बट तेरे को खाना बनाना, घर का झाड़ू पोछा, घर की चीजें संभालना, शॉपिंग का सामान लेके आना, तेरा हेडेक बिल्कुल खत्म। मेरा हेडेक तो आप बन गए हो, दूसरे को लाके और हेडेक बना रहे, सौतन लेके आने की बात कर रहे हो मेरी। आपका दिमाग खराब आ रहा हूँ क्यों? आज ये लास्ट मालिश कर दे रहा हूँ, कल से तेरी मालिश वही करेगी। मतलब आपका दिमाग खराब है? हाँ ज्यादा फालतू बात बकवास ही करना मत मुझसे। कल मैं उससे कर लूंगा शादी, मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बिना, बस। तो उसके साथ ही रहो, मेरे साथ मत रहो, समझे क्या? मैं यहाँ से चली जा रही हूँ। क्यों चली जाएगी तू? क्यों मैं को नहीं रहने का आपके साथ, समझे क्या? और सौतन के साथ मैं नहीं रह पाऊंगी, ये सब चीजें कर नहीं पाऊंगी, समझे? दो लोग नहीं रह सकती। तुम्हारा दिमाग खराब है, मार दूंगी मैं, इतनी मैंने यहाँ नहीं आना। अगर आप शादी किए ना, यहाँ दिखना भी मत, यहाँ से हर जन आपको बेशरम जैसे हो गए हो, एक बच्चे के बाप हो, आपको शरम आती है ये सब? एक बच्चे का बाप भाई, एक बच्चे का बाप नहीं हो गया हूँ, जैसे पूरा देश का रक्षक हो गया हूँ। तो शादी करोगे? तो क्या हुआ, दुनिया में अभी चलन चालू है, ये ट्रेंड है। ट्रेंड है तुम्हारा, ट्रेंड है ना, तुमको ही मैं सर फोड़ दूंगी, समझे? तो मैं फोन करता हूँ उसको और कल का कंफर्म करवाता हूँ। मेरा दिमाग मत खराब करना, समझे? जो आपका चक्कर ऊपर चल रहा है ना, अपना सुधार लो, नहीं तो सोच रहे ना सबसे बुरी बन जाऊंगी मैं। जितनी अच्छी बीवी बनी थी ना, उससे कई ज्यादा मैं बन जाऊंगी बुरी। सच बताओ, क्या आप सच में कर रहे हो ये? हाँ मजाक करूंगा तेरे साथ, ये सब सीरियस मैटर है कोमल। तो आप मतलब मुझसे आपको प्यार ही नहीं था, मतलब आपको ऑलरेडी अफेयर था, आपका मेरे में से इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था बहुत पहले, मैं समझ गई हूँ, समझे? गर्लफ्रेंड तक सब सही रहता है यार, बीवी के बाद एकदम जैसे लगता है कि बोझा सर पे आ गया है, अब संभाला नहीं जाएगा। ये भगवान क्या जुलूम है, तो क्यों किया?
शादी, पहले सोचना चाहिए था ये चीज। मत कर। क्यों किया शादी? अब उसको भी शादी करके लेके आ रहे हो, दिमाग खराब है आपका? हाँ, किसको लेके आ रहा हूँ? अभी बोले ना कौन संध्या फंध्या है। मतलब नाम तुझे याद हो गया उसका, ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम शुरुआत अच्छी हुई। फालतू की बात मत करना, समझे? लगा उसको फोन को, कौन है डायन चुड़ैल, इतनी सौतन बनने का बड़ा शौक है, इतना पता नहीं गोबर भरा है उसके। हाँ, शादी शुदा मन के साथ शादी कर रही है? गोबर भरा है तब किसी और से शादी करती ना, मुझसे क्यों करती? मैं अच्छा दिखता हूँ, हैंडसम हूँ इसके लिए। क्या बोला तूने? हाँ, बड़े हैंडसम हो, जैसे ना गुंडे दिखते हो, समझे क्या? तो आजकल विलेन का ही चलन है। विलेन का ही चलन है। तो अब मेरे दिमाग मत खराब करना, ये सब फालतूगिरी करना मत लगा उसको फोन, मेरे को देखना है कौन है वो। तो क्या आपका अफेयर चल रहा है? कल देख लेना घूंघट उठा के उसका। आराम से। इतने बेशरम हो गए, मतलब आप मेरे साथ रह के अब दूसरी लड़की के साथ अफेयर कर रहे हैं? मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है। मुझे ये सर, इसीलिए मैं सोचूं ये इंसान इतना लेट क्यों आता है घर पे, और मेरी ट्रेन लेट होती है, ट्रेन इनकी रोज ही लेट रहती है। मेरे मुझसे बात करना कोमल, मैं पूरा दिन की देर से बात करती हूँ, मैं बिजी हूँ, ये सब में लगे रहते हो। अरे मैं ये काम है वो काम है, ये सब आपका लगा रहता है। एक ऑफिस से निकलते हुए फोन नहीं करते। मालिश मत करिए, पूरा तेल पी ले पेन किलर वाला, तो ठीक हो जाएगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हाँ, और पी लू ताकि ठीक ही हो जाओ हमेशा के लिए, ताकि दूसरी को लेके आओ। बड़ी हंसी छूट रही है ना आपको? हाँ, बड़ा मजाक लग रहा है। मेरे साथ ही जीना है। हाँ, कि मेरे साथ ही जीना है, साथ में बस। दोबारा अगर ना, मैं सही में बोल रही हूँ ना, बहुत बुरा कर दूंगी। अरे हाथ तो, हाथ तो ऐसे उठाती है ना, तो इसके लिए तो और मन उतर गया मेरा। हाँ, इसीलिए मेरे से प्यार ही नहीं रहा है, सच्चाई अब बोलो, समझे कि आपको ना मेरे से प्यार नहीं है? तो ये बोलना चाहिए था ना पहले। पहले कैसे बोलूंगा ताकि मैं पहले ही आपको घर से बाहर कर देती आज करने की जगह। निकलो यहाँ से अभी, समझे? जहाँ जाने जाओ, मेरा दिमाग बिल्कुल भी खराब मत करना, निकल जाओ यहाँ से। तो नहीं जाना है, तू जाए, निकल जाओ। कोई संध्या अगर इधर एंटर की ना, तो मैं सोच रही ना उसको उसकी संध्या में शाम को ही ना पूरा दूसरा दिन देख नहीं पाएगी सवेरा वो। उसको दूसरा दिन देखना क्यों है? वो आराम से रात में रहेगी, रात भर तू यहाँ सो लेना, हम लोग बाहर सो लेंगे, खत्म कहानी। मुझसे मालिश कर दूं आज के दिन, कल से उससे बात करते करते, मतलब 15 दिन में पता नहीं कैसा हो गया डिसीजन। मतलब यही आपको बीवी की तकलीफ नहीं दिखी, आपको उसका प्यार दिख गया ये 15 दिन में? अगर बीवी जरा तकलीफ में आ गई। मैं तो थक गया था ना यार, इतना सब कर करके अकेले क्या करता मैं, और उससे बात हुई पता नहीं अचानक में बात हुई, तो वो रेडी हो गई है, तो फिर क्या ही टेंशन है? उसको टेंशन नहीं है, तब तुझे किस बात का टेंशन है? मैं अपनी फैमिली को फोन लगा रही हूँ, मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ यार, मेरे को मालूम है आप इतने बड़े धोखेबाज हो यार। इस तकलीफ में इंसान हर बार साथ देता है, आपकी हर तकलीफ में मैंने साथ दिया। तो आया था ना तेरा मालिश करने। हाँ, और आप दूसरी शादी करने की बात करने आए थे, समझे क्या? मैं अभी अपनी माँ से बात करके ना आपको यहाँ से नहीं निकलवाई ना, देख लेना मैं आपको छोड़ दूंगी, नहीं रहूंगी आपके साथ, जो डाइवोर्स चाहिए, समझे क्या? नहीं छिड़े ना मुझे आपके साथ। कोम कोम इधर आ, बात कर रहा हूँ, अभी मालिश करने आया, तू भाग गई उठ के। अभी मैं नहीं, अभी ये ना ये बैट आपसे बात करेगी, समझे? सर बंद कर देना। कितनी बेशरम हो आप यार, इतने बड़े धोखेबाज निकलोगे सोचा नहीं था मैंने। यार आपको जरा भी मेरे पे तरस नहीं आया, वैसे मेरे पे प्यार सारे सब चीज भूल गए यार मेरे बारे में। तुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, झाड़ू पोछा नहीं। तुमको मैंने बोला ये करने को? तू बोलती है ना तुम कर दो ना, तुम कर दो ना, तुम कर दो ना, तुम मेरे को परेशान कर देती है। आप प्यार करते हो ना इसलिए मेरी हेल्प कर रहे हो, लेकिन प्यार करते हो तो हेल्प करना पड़ता है उसमें। बैठ चुपचाप शांति से बैठ, फाइनल करते हैं, क्लोज करना है देखो आज। आप जाओ यहाँ से जाके, तुम्हारे लिए हमेशा के लिए दरवाजा क्लोज हो जाएगा, जाओ। मुझे नहीं रहना, निकलो, मैं ज्यादा देर नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी खड़े खड़े, निकलो यहाँ से। तो बैठ जाए ना, निकलो यहाँ से। नहीं, बैट, बैट, बैट। नहीं, आप जाओ संध्या के साथ रहो। नहीं, नहीं, उसको बोलो ये व्यवस्था करेगी। नहीं है बट तो इधर ही इसी घर में। कैसे आप मुझे संध्या के साथ रहना, बहुत ज्यादा ही बन रहे हो ना, आपकी तरह नहीं हो, समझे क्या? निकल जाओ बस, मैं मुझे आपका शक्ल नहीं देखना है। आई को फिर लेके जा रहा हूँ, बाय। मुझे आप पे भरोसा नहीं है, वो लड़की पे तो दूर की बात है, और मैं आयु को आप लोग के भरोसे छोड़ूंगी ताकि आप वो ध्यान ना दे सके? हाँ,
बस ठीक है। ला पैर में मालिश कर दो। भरोसे के लायक नहीं हो आप, रहने दो। आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। ला पैर में यहाँ से हट जाना, मैंने बोल दिया है ना, फालतू की बात मत करना, चले जाओ चलो। जिंदगी भर का एकदम क्या काम कर दिए यार, छी इतने बड़े धोखेबाज निकलोगे। अच्छा ला मालिश करो, ला हट जाओ यार। अच्छा मैं ही मालिश करूंगा बाबा, रोज रोज मैं ही करूंगा, उससे शादी नहीं करूंगा, ठीक है। तुम्हारा अफेयर तो है ना उसके साथ, तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे यार, इतनी बड़ी चीट करो आप। संदेह है कौन में, कोई नहीं पता। अरे अभी तो बोले तुम आपकी गर्लफ्रेंड है, अफेयर चल रहा है। अरे प्रैंक कर रहा था तेरे साथ ताकि तू इतनी 15 दिन से तू एकदम डाउन हुई थी ना, तेरा चेहरा पर तेरा रिएक्शन, तेरा अंदर एकदम तड़ाका भड़ाका वाला निकले वो चीज, एकदम शांति से पैर दर्द हो रहा, कैसे रहूं ये चीज में, ये कान में ना मेरे को। इस बार तो पक्का आपके ना बैट मारने का मन कर रहा है, आपको समझ नहीं आता तकलीफ में भी ये फालतू करते रहते हैं छेड़छाड़। हटो मालिश करने के लिए भी दूसरी शादी करनी पड़ रही है, सोच हटो यार, तेरी वजह से क्या दिन देखना पड़ रहा है। तो गाइस कैसा लगा ये प्रैंक वीडियो, प्लीज कमेंट करके बताना। इसकी हालत इतनी खराब हो गई कि पूरी लेटम लाट चालू है इसका। मुझसे बात मत करो यार, मैं थक गई हूँ यार। खाली ये जो सिनारियो हुआ ना, तो इससे इसका रिएक्शन आ गया होगा कि भाई अब मैं क्या करूँ, ये अचानक में पगला गया है क्या, क्या कर रहा है। तो गाइज आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।